नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल DRS मैथ्स पर स्वागत करता हूं। UBTET में 2011 से 17 तक जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उसका सलूशन हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और इसके साथ ही साथ हम उन चैप्टर्स का रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, दो चीजें आप जानते हैं, एक तो HCF और एक LCM, जिसको आप महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के नाम से जानते हैं। HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं GCD, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये होता क्या है पहले ये समझिए। मान लीजिए यहां पर कोई एक नंबर है 12, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। देखिए, 12 दो से डिवाइड हो सकता है, तीन से डिवाइड हो सकता है, एक से, बिल्कुल ऑब्वियसली एक से भी होगा, एक से डिवाइड होगा, दो से होगा, तीन से होगा, चार से होगा, छह से होगा और खुद 12 से होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है उसमें से अगर हम यहां पर देखें तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 को डिवाइड कर सकती है, वो है वो नंबर खुद। अगर उस नंबर को छोड़ दें तो सबसे बड़ी संख्या है 6 जो इस नंबर को डिवाइड करती है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक नंबर ले रहा हूं 18। अभी 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, एक कर सकता है, दो कर सकता है, तीन कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है और 18 खुद डिवाइड कर सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो 18 को डिवाइड कर सकती है, भाग देने पर जो इसको काट सकती है, वो है 18 खुद। अगर 18 को छोड़ दें तो उससे बड़ी संख्या है 9। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 12 और 18 में इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त बताओ, तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 को भी काट दे और 18 को भी काट दे भाग देने पर। तो आप देखो, दोनों में 6 एकमात्र ऐसी संख्या है जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। 6 से कम 1, 2, 3 है जो 12 को डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 है जो 18 को डिवाइड करेंगे और उसके बाद आता है 6। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 ये सभी जो नंबर हैं इनको हम बोलते हैं डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर। क्या बोलते हैं? कॉमन डिवाइजर, उभयनिष्ठ भाजक, ऐसे नंबर जो दोनों नंबरों को काटते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काटता है वो है 6। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों, जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं उसको, वो है 6, ठीक है। तो महत्तम समापवर्त को शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे, मस या हाईएस्ट HCF इसी को लिखेंगे, आप जैसे भी इस चीज को याद रखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबसे बड़े नंबर जो दिए गए संख्याओं को, दिए गए नंबरों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 और 18 का HCF जो है वो कितना था? 6 था। इसका मतलब मैं 12 को लिखूंगा 6 × 2 और 18 को मैं लिखूंगा 6 × 3, लिख सकता हूं 6 × 2 और 6 × 3। इसका मतलब कोई भी जो नंबर है वो नंबर इज इक्वल टू होता है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू कोई भी वेरिएबल, मान लीजिए X, Y, Z, A, B, C, D, ये इस तरह से होता है कि नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, वो संख्या बराबर क्या होगी, संख्या बराबर होगी महत्तम समापवर्त इंटू एक्स इंटू ए इंटू बी इंटू सी, कुछ भी इस तरह से होगा। ये चीज समझ गए? चलिए अब देखते हैं LCM। देखिए, महत्तम समापवर्त में हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों को भाग देने से काट दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, और LCM जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक है, ये नंबर क्या होता है? मान लीजिए कोई भी नंबर 10 है, तो 10 का जो समापवर्तक, समापवर्तक का मतलब होता है पहाड़ा, टेबल, इसका गुणक। तो 10 के गुणक क्या हो सकते हैं? 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30, 10 × 4 = 40, 10 × 5 = 50, अप टू शो ऑन। ये वो सभी नंबर हैं जो 10 से बड़े होंगे, जो 10 से क्या होंगे? बड़े होंगे। और ये सभी 10 से, 10 का कोई ना कोई गुणक है, यानी इन संख्याओं को अगर 10 से भाग देंगे तो ये नंबर कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैंने 5 का पूछा, तो 5 का आप क्या लिखोगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे करके। अब आप ये बताओ, 10 और 5 दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? तो एक तो 10 है, अगला क्या है? 20 है, अगला क्या है? 30 है, ऐसे ही करते करते मिलेंगे। ये सभी दोनों में क्या है? कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, समान गुणक है।
लेकिन इनमें से लीस्ट चाहिए मुझे। लीस्ट का मतलब लघुत्तम, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों का गुणनफल है, जो दोनों के टेबल में आता है, जो दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो सबसे छोटा नंबर आपको मिलता है 10। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सपोज दो और तीन की, तो दो की टेबल में आएगा 2, 4, 6, 8, 10 अप टू शो ऑन। ऐसे तीन की टेबल में आएगा 3, 6, 9, 12 अप टू शो ऑन, यहां पर 12 अप टू शो ऑन। तो अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में मिलेगा वो आता है 6। तो दो और तीन का आप क्या लिखते हो, एलसीएम इज 6। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये वो नंबर है जो सबसे छोटा है, और ये वो नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर चाहिए होता है जो दिए गए नंबरों को डिवाइड कर दे। यहां पर हम वो इन दोनों नंबरों से बड़ा वो नंबर लेते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब आप यहां से एक चीज देखिए, अब देखिए 5 और 10 का एलसीएम कितना है, 10 है। तो ये 10 को मैं लिख सकता हूं 10 गुणे 1, 10 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणे 2, यानी कि ये जो एलसीएम है ये नंबर इंटू समथिंग है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर इंटू एक्स। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर इंटू एक्स। और अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स, ये होता है। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा नंबर से। लेकिन एलसीएम जो है, एलसीएम वो ऑलवेज बड़ा होगा या बराबर होगा नंबर से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम महत्तम समापवर्तक नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, और लघुत्तम समापवर्तक नंबर से छोटा नहीं हो सकता कभी भी। और एक चीज समझ लो, अगर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको पता है तो इनमें क्या संबंध है कि लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं वो आप देखिए, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं हैं, महत्तम समापवर्तक 13 है उनका और लघुत्तम समापवर्तक 1989 है, पहली संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो आप जानते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम। तो आप पहली संख्या मान लीजिए निकालना है आपको, एक संख्या कोई ना कोई एक आपको निकालना है, दूसरी संख्या है 117, इधर लघुत्तम समापवर्तक है 1989 और महत्तम समापवर्तक आपका कितना है 13। ये हो गया, अब आप इनको देख लीजिए, 13 × 9 = 117 होता है, 9 से ये डिवाइड होगा, 9 × 2 = 18, 1 = 18, 9 × 2 = 18, फिर 9 बच गया, 9 × 1 = 9। तो आपको मिल गया कि जो दूसरी संख्या या पहली संख्या जो भी आप इसको समझो, इसका मान क्या हो गया, 221 हो गया। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35, लघुत्तम समापवर्तक 525 है, एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप ये जानते हो, ये फॉर्मूला हो गया आपका, फिर से वही जो तरीका अप्लाई होगा, पहली संख्या 175, दूसरी निकालनी है 525 × 35। तो आप देखो 35 × 5 = 175 होता है, 5 से इसको काटो तो 5 × 1 = 5, 0, 5 × 5 = 25। तो आपको मिल गया कि दूसरी संख्या बराबर 105। बिल्कुल फॉर्मूले पर आपको यह सॉल्व होगा सारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये दिया है कि दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 और 11 के अनुपात में है, यानी कि पहली संख्या अगर 6 है तो दूसरी संख्या 11 होगी, ये अनुपात है उनका। उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है 462, तो आपको बताना है कि उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप जानते हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, ये आप जानते हो। संख्याओं का अनुपात 6 और 11 का अनुपात है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 6 और 11 नहीं है, वो उस अनुपात में है। तो मान लीजिए पहली संख्या 6x है तो दूसरी 11x होगी। जब भी नंबर अनुपात में होते हैं तो किसी भी एक वेरिएबल से, किसी भी एक चर से, चाहे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, किसी से दोनों में गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसे समझिए, मान लीजिए पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 22 है, तो जब आप अनुपात निकालोगे तो आप जो नंबर कॉमन है उससे डिवाइड कर दोगे, तो 2 × 12 = 2 × 11 = 22। तो आपने क्या किया, दोनों संख्याओं को 2 से डिवाइड कर दिया, तो अनुपात हो गया 6 × 11। लेकिन रियल में नंबर ये नहीं है, वास्तव में ये संख्या क्या थी, 6 × 2 और 11 × 2,
मतलब अनुपात वाली संख्या को किसी न किसी नंबर से गुणा करना है। जिस नंबर से पहले में गुणा करना है उसी नंबर से दूसरे अनुपात में भी गुणा करना है, लेकिन वो नंबर कौन सा है वो हमें नहीं पता, इसलिए उस नंबर की जगह पे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर पहले वाले नंबर की जगह पर एक्स मान लो गुणा किया तो दूसरे में भी क्या गुणा करना पड़ेगा, एक्स ही करना पड़ेगा। तो 6x × 11x हो गया, ये तो हो गया पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, बराबर क्या होगा 462 गुणे महत्तम समापवर्त। एक चीज और देख लो, अभी जैसे मैंने यही लिखा था 12 और 22 में 6 × 2 और 11 × 2, तो देखो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो क्या है महत्तम समापवर्त, ये 2 है, यानी कि जिस संख्या से हम अनुपात को गुणा कर रहे हैं वही उसका महत्तम समापवर्त है। तो संख्या को किससे गुणा किया है, एक्स से, तो इसका महत्तम समापवर्त भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में भाई, जैसे मान लीजिए यही लिखा ना 12 को 6 गुणे दो, 22 को 11 गुणे दो, तो 12 / 22 में हमको मिल गया 6/11, तो जब भी नंबर को लिखना होगा तो 6 × 2 यानी 6x, 11 × 2 यानी 11x, और जिससे गुणा कर रहे हैं दोनों में वही उनका महत्तम समापवर्त है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी से उसको गुणा कर दे रहे हैं। अब जब ये गुणा करने के लिए आगे चल रहे हैं तो अब आप यहां से देखिए एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर जब इनसे हमको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे 11 × 4 = 11 × 2 कैंसिल हो गया, 6 से डिवाइड करेंगे 6 × 7 = तो x = 7 आ गया, और x क्या है महत्तम समापवर्त है, इसका मतलब कि महत्तम समापवर्त बराबर 7 आ गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको YouTube पर DRS Math सर्च करना है, हमारे प्रोफाइल पिक्चर को टच करना है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा जहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, हर वो चैप्टर आपको मिलेगा वहां पर जो आपके UPTET के सिलेबस में है, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, वर्क एंड टाइम हो, एडवांस मैथ्स हो, ज्योमेट्री सेक्शन हो, जो भी है वो सब यहां पर मिलेगा, खुद भी देखिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस बने रहिए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए और खुद भी इस वीडियो का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।